हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन करके बहुत बड़ी रैली ऊपर की तरफ दे दी है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर आज सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही मॉर्निंग में WTB थे, तो मार्केट ऊपर कैसे गया फिर? ठीक है, तो इसका हम लोग आज पूरा कंफ्यूजन दूर दूर करने वाले कि वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम मार्केट में किस तरीके से चेंज हुआ आज और किस तरीके से हम लोगों को उसको टैकल करना था, ट्रेड करना था। ठीक है, तो इन डेप्थ में मैं आज आपको पूरा LTP कैलकुलेटर का वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे आप इस तरीके से मार्केट में, इस तरीके के मार्केट में बचे रह सकते हैं। ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बना करके देने वाला हूँ जो आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है मार्केट में। अगर आपका मतलब मार्केट में अगर आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में अभी मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, बहुत निगेटिव सिनारियों में खुला मार्केट, ये लो भी ब्रेक करके मार्केट गैप डाउन खुला है और उसके बाद 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना रहा है मार्केट। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखें तो दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही वीक टूवर्ड्स बॉटम बन रहे थे मॉर्निंग के सेशन में। अभी देखो मार्केट 9:16 को जस्ट ओपन ही हुआ है, यहां पर देखो मॉर्निंग में क्या सिनारियो बना था हमारा। मैं अगर थोड़ा सा पीछे लू आपके लिए, यहां पर अगर देखें तो मॉर्निंग में हम लोग देख रहे थे ये पहले से ही था, ठीक है, एक दिन पहले से ही था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम बन रहे थे। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, मैं 1 मिनट के लिए प्रीवियस करता हूँ और फिर हम लोग उसको, ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने मार्केट को सपोर्ट 21,300, रेजिस्टेंस 22,000 पर शिफ्ट हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब इस डेटा को प्ले करने के बाद हम लोगों को दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो वीक टूवर्ड्स क्या दिख रहा है, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। पर एक बात आपने नोटिस नहीं की, यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये बात आपने नहीं देखी। और एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा LTP कैलकुलेटर के साथ प्राइस एक्शन को भी सीखना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करना है, मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हो, मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो, 1 to 1 मुझसे बात करना चाहते हो और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा उस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे कम्युनिटी बैचेज जो है मेरी ज्वाइन कर सकते हो। मार्च 1 मार्च से वो बैच स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिमिटेड टाइम तक में एडमिशंस होते हैं, लिमिटेड एडमिशंस होते हैं और लिमिटेड लोगों को मैं लेता हूँ वहां पर, तो ये सारा कंफ्यूजन वहां पर आपका दूर हो जाएगा। कंप्लीट LTP कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा चार्ट के ऊपर खींचना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अगर तो मार्केट में कल भी एक रिकवरी ऊपर की तरफ आई थी, आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला मार्केट में और कंटिन्यूअसली 2 3 कैंडल जो है, 4 कैंडल जो है वो नीचे की तरफ बनी, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल जो कैंडल बनी है ये पूरे चारों कैंडल को एक तरफ से इंगल्फ कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फिर कभी निगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाए। प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो कभी निगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाए, कभी ये लो जो है वो ब्रेक होता हुआ हम लोगों को नहीं दिखाई। यहाँ पर भी एक लो लगा, वो भी रिट्रेस करके ऊपर गया, फिर एक लो लगा उससे ऊपर रिट्रेस करके गया, फिर एक लो लगा फिर से रिट्रेस करके गया, फिर एक बड़ा लो लगा उससे रिट्रेस करके गया। कभी भी आप देखो प्रीवियस लो को कभी भी ब्रेक ये नहीं कर पाया है और इसीलिए ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन में जा रहा है। ये प्राइस एक्शन को समझो कि अगर इस तरीके का फॉर्मेशन अगर आपके सामने हो रहा है जहां पर प्रीवियस जो लो है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर हम क्या मानते हैं यहां पर अगर ये लो ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता तो हम लोग इसको फिर निगेटिव इसमें ट्रेड करते, जो भी कोई पोजीशंस निगेटिव यहाँ पर बनी होगी उसके सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर इस कैंडल में हम लोगों को दे देने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पर ये डे लो ब्रेक करने के बाद जब जिसने भी इस कैंडल में ट्रेड किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होना चाहिए था डे हाई के ऊपर, तो वो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। सेलिंग की पोजीशन का पहला स्टॉप लॉस गया है, देन पोजीशन को रिवर्स किया गया है, आप इस बात को ध्यान में रखना। और वो मैं आपको LTP कैलकुलेटर में आज WTB WTT का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ।
ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि अभी फिलहाल के लिए हम लोग डेटा को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके पीछे जा करके देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा में मार्केट ओपन होने से पहले क्या सीन बना हुआ था। ये बिल्कुल मार्केट ओपन होने का पहले का सीन है। अगर आप देखो यहाँ पर 9:15 के अराउंड अराउंड हम लोगों ने मार्केट अभी ओपन नहीं किया है। रजिस्टेंस जो था वो 21,600 पर है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना अभी भी, ठीक है। रजिस्टेंस जो है वो 21,600 पर है और सपोर्ट भी 21,600 पर ही है, यानी कि सपोर्ट रजिस्टेंस 21,600 पर है मार्केट ओपन होने से पहले। सपोर्ट किस तरीके का दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर बोल रहा है। और रजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहा है? रजिस्टेंस दिखा रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस टॉप की तरफ कमजोर दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉप कमजोर है। इस तरीके का सिनारियो हम लोगों को मार्केट ओपन होने से पहले दिखाई दे रहा था। अब रेजिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक कमजोर है? तो 600 से लेकर 22,000 तक रेजिस्टेंस कमजोर है, यानी कि इतनी जगह यहाँ पर स्पेस जो है वो ओपन है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। 22,000 तक ऊपर जाने के लिए अभी फिलहाल मार्केट में ये स्पेस ओपन है, और नीचे जाने के लिए 500 का स्पेस जो है वहां तक मार्केट के लिए, 21,500 के लिए मार्केट का स्पेस ओपन है। मतलब मार्केट यहां तक नीचे जा सकता है 21,500, या फिर एक डाइवर्जन उसके हम लोग उसको देख सकते हैं, 400 का एक डाइवर्जन हम लोगों को मिल रहा है यहां पर अगर हम लोग देखें तो, करेक्ट। तो मार्केट कहाँ तक नीचे गए अगर हम लोग देखें तो मार्केट में पॉसिबिलिटीज जो थी वीक टुवर्ड्स बॉटम की वो 500 तक थी, 21,500, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 21,500 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींच के दिखा देता हूँ। ये रहा 21,500 का वो लेवल, करेक्ट। ये रहा 21,500 का लेवल जहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था हमारा सपोर्ट, ठीक है। वीक टुवर्ड्स बॉटम है हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ पर है? 22,000 के लेवल पर वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस है। 22,000 के लेवल पर हम लोगों ने एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, ठीक है। अब प्री ओपनिंग में हम लोगों को दिख जाता है कि मार्केट कहाँ पर खुलने वाला है। मार्केट खुल रहा है सीधा 600 के नीचे, 21,600 के नीचे। अब देखते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद सिनारियो किस तरीके का बना था, करेक्ट। और अभी हम लोग प्ले कर रहे हैं इस डेटा को, अभी मार्केट स्टार्ट होगा और डेटा किस तरीके से चेंज होगा आप इस चीज को देखना। ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है, अभी अभी जस्ट चेंजेस हुआ है। जो रेजिस्टेंस 21,600 पर था वो अब सीधा 22,000 पर जाकर के बैठ गया, सीधा 22,000 पर जाकर के बैठ गया। और थोड़ी देर बाद यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस अब 22,000 पर है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस 21,600 पर था वो अब 22,000 पर है, ये हम लोगों को दिख रहा है अब वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ, ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा होगा, पर आप एक चीज को ऑब्जर्व करोगे, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से सारा खेल होता है। अब देखो इसके परसेंटेज की तरफ देखो, 84% इसका हो रखा है, ठीक है, 84%, ठीक है। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते, अगर ये 900% वॉल्यूम हो गया यहां पर तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा यहां से लेकर यहां पर, ठीक है, शिफ्टिंग हो जाएगा यहां से लेकर वहां तक। अभी देखो यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो 92% हुआ, ये मतलब 100% हो चुका है। यहां से लेकर यहां पर क्या हुआ है? रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, तो ये फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम आप नहीं कह सकते। यही सारा टंटा होता है, यही सारा कंफ्यूजन है। अब ये यहां पर जब आपका रेजिस्टेंस था और यहां से यहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था क्योंकि येलो कलर यहां पर था। फिर 100% हो जाने के बाद यहां से ब्लू कलर शिफ्ट होके यहां पर आया है आपके, और वो जो ब्लू कलर शिफ्ट हुआ है वो अब रेजिस्टेंस है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। हाँ, सपोर्ट जरूर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है अब तक, लेकिन आप ओपन इंटरेस्ट को भी देखो, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप, ये वीक टुवर्ड्स टॉप था, ये शिफ्ट हो गया, लोगों ने गलती ये कर ली। बाद में जाकर के अगर देखा होगा तो हाँ ये तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
और ये भी विक टुवर्ड्स बॉटम है, यानी कि मार्केट नीचे गिरेगा और गलती से दो तीन कैंडल नीचे गिरे भी, ठीक है, वहीं पर फंसे। पर अगर फंस चुके हो तो डे हाई क्रॉस करने के बाद, यानी कि पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस दे करके वहां से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। ये गलती कभी मत करना कि आप बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद लगा के बैठो मार्केट में, अपनी पोजीशन को लॉस में होल्ड करके बैठो, ये कभी मत करना, ठीक है। अगर गलती हुई है, हम लोगों को दिख रहा है मार्केट में, अभी मैं आपको ये भी चीज दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से हुआ है, करेक्ट। अभी हम लोग चलते हैं, यहां पर कुछ डेटा पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। गैप डाउन खुले, हम लोग 2 3 4 कैंडल नीचे आए, पर ये 4 कैंडल का जो लो था वो एक ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया। आप देखो कि 4 कैंडल मिलकर जो गिरावट दिखा रहे हैं, वो एक ही ग्रीन कैंडल अगर उसके अंदर बन रही है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल अगर उन चार चार कैंडल को इंगल्फ कर रही है, ढक रही है, तो उसके अंदर कितना ज्यादा पावर होगा, कितना ज्यादा बायर्स में ताकत होगी कि वो पूरा ऊपर की तरफ खींच करके लेकर गए, इतनी इतनी बड़ी सेलिंग को वो ऊपर की तरफ खींच करके लेकर के जा रहे, इसका मतलब और इतने बड़े गैप डाउन के अंदर सेलर और इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर को पैसा मिल चुका है यहाँ पर गैप डाउन, ठीक है। जो भी पुट लेकर गए थे ओवरनाइट, जो भी सेलिंग की पोजिशन ओवरनाइट लेकर गए थे, उनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि उनके डायरेक्शन में ही मार्केट खुला है, ठीक है। आप अगर गैप डाउन देखें तो कितना बड़ा ये गैप डाउन था, यहां से लेकर यहां पर ये गैप डाउन था, और मोर देन टू मतलब 198 पॉइंट्स का ये मतलब फॉल था। 198 पॉइंट्स अगर फॉल यहां पर हो रहा है, किसी ना किसी ने पोजिशन सेलिंग की यहीं पर बनाई होगी। 200 पॉइंट्स का अगर फॉल यहां पर आपको दिख रहा है, तो क्या लगता है और 200 पॉइंट गिरना गिर जाएगा मार्केट? गिर सकता है, पर इतना बड़ा इवेंट नहीं है। नेगेटिव न्यूज थी, जरूर नेगेटिव न्यूज थी यहाँ पर, और उसका रिएक्शन हम लोगों को गैप डाउन खोल करके दिखा दिया, ठीक है। डाउ जोन्स भी गिरा था और सारे ग्लोबली इंडेक्स जो थे वो गिरे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा आया, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बढ़ा है, तो उसके लिए ये फिर इतना बड़ा हम लोग गैप डाउन ओपन किए। पर हमारे डेटा में, इंडिया के मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूएस की वजह से गैप डाउन खुले, 200 पॉइंट की खुलते ही साथ हम लोगों ने करेक्शन कर ली, दैट्स इट, 200 पॉइंट की गिरावट खत्म हुई। अगर मॉर्निंग में 200 पॉइंट हम लोग गिर चुके हैं, तो और 200 पॉइंट की उम्मीद करना बेकार है, और सेलिंग का एक्सपेक्टेशन करना यहाँ पर बेकार है, और ये हो सकता है कि रिट्रेस करके ऊपर ही जाए और गैप फिल करने के जाए, और मोर देन दैट उससे भी ज्यादा ये चीज जो है वो हावी हुई है। अभी यहाँ पर आप देखो, ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप था, ये शिफ्ट हो चुका, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये अभी यहाँ पर शिफ्ट हो चुका। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें दिखाई दे रही है कि ये बार बार रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पर, और ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स कैसे किस तरीके का दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप ही दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट जो बना हुआ है वो अभी यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग जो है वॉल्यूम का 500 पर दिख रहा है। अब इसको अगर आप दिन भर लेकर के बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग में ही कंफ्यूजन था, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा था वीक टुवर्ड्स टॉप वो कंप्लीट हुआ था, आप अगर उसको मान लोगे कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है शिफ्टिंग के बाद, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अभी अभी यहाँ पर फिर से ये वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस जो है 600 पर शिफ्ट हुआ है, पर ये अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप ही है, ठीक है, WTT ही है। कंफ्यूज मत होना, प्रीवियस डेटा से एनालिसिस करना होता है, प्रीवियस डेटा को पहले देखना होता है, कल के डेटा को पहले देखना होता है। अगर हम लोग को कोई एनालिसिस करना है, तो हम लोगों को ये डेटा जो आज का डेटा बना हुआ है वो हम लोगों को आज देखना पड़ेगा, और आज भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये डेटा बार बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। तो हम लोगों को किस तरीके का दिखाई दे रहा है, अभी सपोर्ट जो है वो 600 पर बना हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो 22,000 पर बना हुआ है, करेक्ट। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हम लोग जरूर इसको बोलना चाहेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 800 की स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है, और हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 22,000, यानी कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 22,000 को ही रेजिस्टेंस है, और हो सकता है हम लोग 22,000 को भी पार कर जाए, 22,000 की लेवल तक भी हम लोग चले जाए कल या परसों में, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम लोग भी टूअर स्टॉप बने रहे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम लोग
होंगे। अब 90 डिग्री एंगल में मार्केट ऊपर गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको WTT और WTB का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का अगर आपको डेटा दिख रहा है कि पहले वीक टू अवर्स टॉप है और बाद में ये शिफ्ट हुआ है येलो कलर यहाँ पर, तो वो वीक टू अवर्स बॉटम फिर नहीं होता, ठीक है। वो वीक टू अवर्स टॉप था और 100% टॉप होने के बाद शिफ्ट हो गया 22,000 पर। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का होता है और इसी की वजह से ट्रेडिंग में मिस्टेक्स होती है। वीक टू अवर्स टॉप ही बता रहा है और वीक टू अवर्स टॉप ही मॉर्निंग में था और वो शिफ्ट हुआ था यहाँ पर ब्लू कलर, तो शिफ्टिंग होने के बाद वो फिर येलो कलर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम की तरफ ही जाएगा और हम उसको वीक टू अवर्स बॉटम फिर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस कंफ्यूजन को हमेशा याद रखना। अगर अगर आपको कंप्लीट मुझसे ये सारी बातें सीखनी है तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी चाहिए। ओनली सीरियस पीपल वहां पर आना और सीखने की कोशिश करना ये किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। अब प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कभी निगेटिव प्राइस एक्शन बना ही नहीं। यहाँ पर एक बार ये क्रॉस जरूर किया था पर फिर से रिट्रेस करके ऊपर गया, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बना था और ये भी फिर क्रॉस करने के बाद जो है वो कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ये लेवल जो है वो ब्रेक हो सकता है और फिर मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो सेकंड हाफ में यहाँ पर 2 बजे के बाद देना स्टार्ट कर दिया और उसी के अंदर आपका प्रॉफिट जो है वो हो जाना चाहिए था, करेक्ट। ये भी आप अगर प्राइस एक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन ही था। ये कंप्लीट एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। नेकलाइन ब्रेकआउट पर आपको जो है वो बाइंग की तरफ 101% जाना चाहिए था, आपका 101% वहां पर प्रॉफिट ही होता कॉल अगर आपने लेकर के रखा होता तो, करेक्ट। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को मतलब वीडियोस को देखते तो है पर बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से एक विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही लर्निंग वाले वीडियोस मेरे जो है वो मिलते रहे और आप हमेशा एलटीवी कैलकुलेटर मुझसे सीखते रहे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा सीखने के लिए सीक्वेंस में मिलते रहे, ठीक है। आप गलती से चैनल पे आए हो और फिर बाद में देखेंगे कब देखेंगे तो वो फिर आपका लिंक नहीं लगेगा क्योंकि मैं सीक्वेंस में सिखाता हूँ, तो इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।